سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान शब्बीर। आज अलबहा में हमारा दूसरा दिन है। अभी सो के उठे हैं, नहा के फ्रेश होके बाहर की तरफ आए हैं नाश्ता ढूंढने के लिए। ये है छोटा सा बुफिया और बाकी सब कुछ देखें क्लोज ही है। अभी ये देखें सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ये आरिफ भाई खड़े हुए हैं, ये मुनीब भाई खड़े हुए हैं। चलो आप अंदर से दिखाते हैं इनके पास है क्या। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई हो गया पंद्रह भी। तो जी इसको मैंने बोला है ये 15 लगाने के लिए टोटल, एक हमने ट्राई किया यहाँ पे। मिर्ची वाला है, कौन सा मिर्ची है? ये वाला स्पाइसी है, ये दोनों मिर्ची वाला है, ये सादा है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता ले लिया, अभी हम निकलते हैं क्योंकि हमारा वेट किया जा रहा है। गाइस अभी हम आए हैं अलबहा के रगादान पार्क में। आए तो रगादान पार्क में थे मगर अब व्यू चेक करें, सिर्फ व्यू देखने के लिए हम रुके हैं यहाँ पे। आए आपको हम साथ साथ अपने व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह जी देखें आपस, ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। वाह जी वाह, मैं तो पहाड़ों में आ गए शायर भी बन गया हूँ जी। लो दसो फिर हूँ कहो जी लगी मेरी वॉइस तन हूँ। देखिए जी हमारे साथ आप भी इंजॉय करें, क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये देखें क्या ब्यूटीफुल मंजर आ रहा है। पार जो है ना इस साइड पे है मगर ये देखने के लिए रुके हम। ये देखें माशाल्लाह। चले जी अभी हम निकलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो गाइस अभी हम इस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से जमीन नीचे नजर ही नहीं आ रही है, बिल्कुल बादलों के दरमियान में। ये बादलों को छू रहे हैं हम और आपको दिखाते हैं साथ साथ, देखिएगा। तो भी अलबहा की इस वादी पे है, आए रगादान पार्क पे मगर इससे भी ज्यादा हसीन मंजर देखने को मिला हमें। ये देखिए कितनी हाइट पे हम आ चुके हैं, मेरे पीछे देखिएगा सिर्फ बादल ही बादल है। ये ठंड भी है यहाँ पे अच्छी खासी, जुलाई के महीने में सऊदीया के अंदर अलबहा शहर में सर्दी का मौसम बना हुआ है। काफी लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जी अभी हम जो आए हैं ना वो इस रास्ते से गुजरते हुए रास्ते से गुजर के आएगा। ये देखिए
कितना डेंजरस काम कर रहे हैं, रास्ता है नहीं है और आके खाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बेवकूफ। ऊपर से पहनी भी इन्होंने चप्पलें, ये देखें एक फैमिली नीचे उतरी है इधर आना नेचर को एंजॉय करने के लिए। काफ़ी फैमिलीज हैं मगर उनकी तरफ कैमरा नहीं घुमा सकते, वो लेडीज़ खवातीन उनमें ज़्यादा हैं, तो जो गई है नीचे उसकी तरफ आपको दिखा रहे हैं। ये देखें इतना हसीन मंजर है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अभी ट्रैकिंग करेंगे, जगह बिल्कुल भी नहीं है और फिर भी जाएंगे क्योंकि अच्छा मत। अभी जी उतर रहे हैं नीचे, हमारे जो बॉस हैं उन्होंने ट्रैकिंग करवा ली हमसे इस पहाड़ की। बड़ा मुश्किल रास्ता जी, बॉस पाँव स्लिप होने लगा था बस। ये उस्मान भाई बड़े आराम से क्योंकि जोगर पहने हैं, हमें यहाँ का बताया नहीं गया, खेड़ी चप्पल पहनी है। ये बिलाल भाई भी मेरे आ गए हैं, ये देखें ऊपर तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि आगे अब उस साइड से तो नीचे आ गए हैं और आगे बाद ये लचब वहां नहीं गया, ब्लैक माउंटेन फीफा माउंटेन नहीं नहीं वहां नहीं गया। आजे बिलाल भाई, देखिए जी कितना खूबसूरत मंजर है, ये खाई है नीचे पूरी उसी से सही है। बादल आ रहे हैं जो है ना, वो अलफलब बादलों के बीच में है। उसके अलावा मैं एक आपको बताता हूं, अगर आप नीचे थोड़ा सा जाएं, एक है देखिए जी और यार ये तो बड़ा खूबसूरत पार्क है, क्या मंजर है। और उतनी हाइट से नीचे आए हैं मुनीब बिलाल हमाद भाई, अपना शूट करने में बिजी है। देखिए जी अभी वापस जा रहे हैं, अभी जाना कहाँ से ये नहीं पता।
खूबसूरत मस्जिद है, ब्यूटीफुल यार। फिर कहाँ है वाशरूम होगा इसका, मतलब आवाज़ से बदले कर रहा मेरे बालों। तो अभी हम आए हैं अलबाहा के रगदा पार्क में, जो कि घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, किसी ने हमें रिकमेंड किया था। तो आए आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। देखें कितना खूबसूरत पार्क बना हुआ है, छोटे छोटे से मंजर है, इसमें एक छोटी सी आबशार भी है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। छोटी सी आबशार बनाई है, बहुत ही खूबसूरत है, देखें आप भी। और जो यहाँ का मौसम है बहुत ही हसीन खुशगवार है, बादल आए हैं हल्के हल्के से, बारिश नहीं है और ठंडक है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। अभी तकरीबन होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कोविड के दिनों में इसको बंद कर दिया था कोरोना की वजह से, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ओपन है। हर शहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे हम भी अलखुबर से आए हैं, रियाद से, जद्दा से, जो बड़े बड़े शहर हैं यहाँ पे लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए, अपनी छुट्टी इंजॉय करने के लिए। अभी हम ले रहे हैं स्नैक्स, ये चिकन का समोसा है और चीज़ समोसा है। भैया कैचअप भी डाल देना साइड पे, दूसरे में डाल दो ना किसी पे, दूसरे में दे देगा मुश्किल। हाँ उस पर डाल दो फिर। और इनके पास फ्राइज भी है, ये फ्राइज करवाई है और समोसे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर। ये पूरा एक मेला ही लगा हुआ है यहाँ पर, मेला क्या कहूँ आपको, पंजाबी जबान में कह रहा हूँ मेला, वरना तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। ये हमारी पहचान होती है, और साथ में लिखे शाही कावा और मुख्तलिफ किस्म का कावा।
यहाँ पे कॉफी है और व्यू जो है ना सारे पैसे ये व्यू के हैं। खूबसूरत वादी अलबाहा की, क्या खूबसूरत मनाजर है इसके। मेरा चम्मच ये देखें जी, बटर फ्राई बहुत टेस्टी। वाह मज़ेदार। और स्नैक्स का एंजॉय किया जा रहा है, ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर है। भैया आपका भाई खा क्या रहा है? आलू वाली चिप्स है क्या? आलू वाली चिप्स का उनमें ये क्या है जो जायका आ रहा है वो क्या बताऊँ जी। एक जगह पे रुके हैं अभी फ्रेश होने के लिए, पहाड़ से तो अभी कुछ नीचे आए हैं कुछ खाना पीना सर्च करने के लिए। तो ये देखें नीचे भी धुंध है, काफ़ी ज़्यादा धुंध यहाँ पे नीचे भी है। अभी कैमरे में शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो मगर है काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।